हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन एट होम। माई सेल्फ चित्रंजन कुमार। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अगेन ऑन योर टॉपिक कंपाउंड इंटरेस्ट। ओके, आज हम लोग फिर से कंपाउंड इंटरेस्ट पे डिस्कस करेंगे। इसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आज सॉल्व करेंगे। इससे पहले जो दो लेक्चर हुए हैं उसमें आपको इसके जो भी आपका इसका फॉर्मूला था उस पर डिस्कशन हुआ, उसके बाद इसका क्वेश्चन आंसर, जो सिंपल क्वेश्चन होते हैं डायरेक्ट आप, आज हम लोग जो क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे उसमें थोड़ा सा कन्वर्स है। इट मीन्स जो आपका फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला में आपको ये है कि आपको अमाउंट निकालना होता है या सीआई निकालना होता है, क्लियर है? लेकिन आज हम लोग प्रिंसिपल भी निकालेंगे, टाइम भी निकालेंगे, रेट भी निकालेंगे, क्लियर है? सब डिफरेंट डिफरेंट, तो वो डिफरेंट डिफरेंट चीज आज अलग अलग क्वेश्चंस में होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा ये था डिफरेंट आर, यानी एक से ज्यादा आर जो हम लोगों ने फॉर्मूले में बताया था कि एक से ज्यादा अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट हो तो उसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, कल मैंने होमवर्क में दिया था, बट आज मैं उसे आप लोगों को फिर से सॉल्व कर रहा हूं। ओके, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। यहां पे स्टूडेंट उसी तरीके का क्वेश्चन है, यहां पे स्टूडेंट सबसे पहले प्रिंसिपल क्या दिया है, रुपीज 125,000। ओके, एंड टाइम क्या है स्टूडेंट, टाइम कोएन से भी रिलेट करते हैं, 2 इयर्स है। एंड आपका रेट वन क्या है, 15%। एंड रेट टू क्या है स्टूडेंट, 16%। अब हमें फाइंड क्या करना है, तो फाइंड द अमाउंट हमें फाइंड करना है। ओके, इट मींस अमाउंट इक्वल टू व्हाट, दिस इज द क्वेश्चन। अब स्टूडेंट इसे सॉल्व करते हैं तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट इक्वल टू पी इंटू 1 + R/100। अगर 2 दिया हो तो R1/100 इंटू 1 + R2/100 ये होता है। अगर तीन आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट हो तो उसका तीसरा कर देंगे, प्रिंसिपल एक ही रहेगा, ठीक है? अब इसे सॉल्व करते हैं स्टूडेंट, तो प्रिंसिपल आपका क्या है, 12,500 इंटू 1 + आर की वैल्यू क्या है, फर्स्ट आर क्या है, 15 by 100, एंड सेकेंड आर क्या है, 1 + 16/100। ओके, तो इसे हम लोग इतना भी लिख सकते हैं, 12,500 इंटू 115/100 हो सकता है स्टूडेंट, 100 + 15 इसे ऐड करेंगे इंटू 116/100। ओके, इसमें कोई डाउट नहीं है, तो इसे हम और ये कर सकते हैं, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी स्टूडेंट, इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 जीरो कैंसिल कर दो, क्लियर है? फिर ये 25 से 4 टाइम में होगा और ये 25 से 5 टाइम में होगा, क्लियर है? अब 4 से ये कैंसिल हो जाएगा, 25 and 4, 29। ओके, अब इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 × 115 × 29। ओके स्टूडेंट, तो 575 × 29, तो इसे मल्टीप्लाई करते हैं, 5 7 5 2 9, 5 9 5 45 9 7 63 7 51, एंड दिस 1 0 5 11। ओके, 5 7 6
1661। तो ये फाइनल हमारा आंसर क्या हुआ स्टूडेंट, 16675। तो ये आपका अमाउंट हो गया, ओके, दिस इज योर आंसर। तो इस तरीके से इसे आप लोग सॉल्व आसानी से कर सकते हो स्टूडेंट। इट मीन्स इसका अमाउंट आपको सिर्फ निकालना है, या सीआई नहीं निकालना है, अमाउंट सिर्फ दिया हुआ है, फाइंड द अमाउंट ऑफ रुपीज, यानी प्रिंसिपल है आपको, टाइम है, तो टाइम यहाँ पे आपको क्या है, 2 ईयर्स है, तो 1 यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे जो है आपका ये 1 ईयर यहाँ भी हो सकता है और 1 यहाँ पे, यानी 2 डिफरेंट ईयर हो गया। तो इसका 1 ईयर से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ओके। अब स्टूडेंट नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, इनवर्स प्रॉब्लम्स ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। इट मीन्स जो सीधा भी आपको अमाउंट निकालना होता था, सीआई निकालना होता था, अब आपको प्रिंसिपल भी पूछ सकता है, टाइम भी पूछ सकता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी पूछ सकता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन पे आज हम लोग डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज, इसमें हमें फाइंड क्या करना है, सबसे पहले देखते हैं स्टूडेंट, ऑन व्हाट सम, यहां पे प्रिंसिपल फाइंड करना है, विल द कंपाउंड इंटरेस्ट एट 5% पर एनम फॉर 2 ईयर्स कंपाउंडेड एनुअली बी रुपीज 164, ओके। यहां पे स्टूडेंट प्रिंसिपल हमें फाइंड करना है और बाकी सभी चीज गिवन है, जो जो हमें नीड होती है। तो सबसे पहले क्या गिवन है उसको लिख लेते हैं, गिवन दैट रेट ऑफ इंटरेस्ट इक्वल टू 5%, टाइम इट मीन्स एन इक्वल टू 2 ईयर्स एंड सी आई कितना दिया है, 164, ओके। तो 164 आपको दिया हुआ है, अब आपको क्या फाइंड करना है स्टूडेंट, प्रिंसिपल फाइंड करना है, प्रिंसिपल इक्वल टू व्हाट। अब हमारा फॉर्मूला क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू प्रिंसिपल इनटू 1+R/100 रेट टू द पावर एन माइनस पी, दिस इज योर फॉर्मूला। अब यहां पे इसको पुट करेंगे, इस पे 164 इक्वल टू पी इंटू 1+R आपका कितना है स्टूडेंट, 5, और ये 100 है और n कितना है, 2 है, माइनस पी, ओके। 164 इक्वल टू 105/100 स्क्वायर, और यहां पे p इंटू हो जाएगा और माइनस पी हो जाएगा, क्लियर है। अब इसका 164 तो ये रहेगा ही, अब स्टूडेंट इसे और रिड्यूस कर सकते हैं, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 21 by 20 p square minus p, ये हो सकता है, रिड्यूस कर दिया। अब इसे 164 इक्वल टू पी इंटू 441/400 माइनस पी, ओके। तो इतना आपको यहां पे 164, अब इसे आगे सॉल्व करते हैं, 164 इक्वल टू 441p/400 माइनस पी, देन 164 इक्वल टू 441p-400p, हो सकता है, बाय 400, ऐसे ही से लिख सकते हैं स्टूडेंट, 400 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, एलसीएम होगा। तो अब इसे 164 इक्वल टू 41p/400, देन 41p इक्वल टू 164 इंटू 400, ऐसे लिख सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से। देन स्टूडेंट पी इक्वल टू
164 इंटू 400 डिवाइड बाई 41। अब ये फोर टाइम में भी कट जाएगा, हाँ फोर, देन पी इक्वल टू 4 इंटू 400, इट मीन्स प्रिंसिपल आपका क्या हो गया, प्रिंसिपल इक्वल टू 1600 रुपीज। दिस इज योर फाइनल आंसर। ओके, तो इस तरीके से हमें वन बाई वन इसे सॉल्व करना है। इट मीन्स आपको जो दिया रहेगा उसमें से ये नहीं सीआई नहीं फाइंड करना है, इसमें से कुछ फाइंड करना होगा। क्लियर है? तो ये आपको आई होप अच्छे समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है स्टूडेंट, इन हाउ मच टाइम वुड रुपीज 5000 अमाउंट टू रुपीज 6655 एट 10% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट। ओके, तो यहां पे सबसे पहले स्टूडेंट हमें क्या क्या गिवन है उस पर डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद क्या फाइंड करना है वो ऑटोमेटिक आपको फाइंड हो जाएगा। सबसे पहले यहां पे गिवन है स्टूडेंट प्रिंसिपल, गिवन है रुपीज 5000 सॉरी, एंड सेकेंड वन आपको क्या गिवन है, अमाउंट गिवन है रुपीज 6655। क्लियर है? और रेट गिवन है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%। हमें क्या फाइंड करना है, टाइम, इट मींस एन फाइंड करना है इक्वल टू व्हाट। ओके, तो टाइम फाइंड करना है। तो हम लोग जानते हैं क्या स्टूडेंट की अमाउंट जब दिया हुआ है तो अमाउंट इक्वल टू क्या होता है, अमाउंट इक्वल टू होता है पी इंटू 1+R/100 होल रे टू द पावर एन, इट मीन्स टाइम। तो अब यहां पे जो गिवन है उसी के अकॉर्डिंग करते हैं, अमाउंट क्या है 6655 ओके इक्वल टू 5000 इंटू 1+ आर कितना है स्टूडेंट, आर 10 है बाई 100, एन आपका क्या है, एन फाइंड करना है। ओके, अब इसे हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 6655 डिवाइड बाई 5000 इक्वल टू 1+ सॉरी इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 100+ रे टू द पावर। ओके, अब इस स्टूडेंट इसे स्मॉलेस्ट फॉर्म में करते हैं, अगर इसे हम लोग 5 से कैंसिल करते हैं तो ये 1000 हो जाएगा, और इसे कैंसिल करेंगे तो कितना होगा 1, 3, अगेन 3, अगेन 1। ओके, तो अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1331/1000 इक्वल टू 110/100 रे टू द पावर एन। क्लियर है? ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। अब इसे 1331/1000 इक्वल टू ये कैंसिल हो सकता है 11/10। ओके, अब स्टूडेंट इसे क्या करेंगे, देखिए अब यहां पे ये एन है और ये इस फॉर्म में है, तो इसे क्या हम इस फॉर्म में ला सकते हैं, इसके इस फॉर्म में लिख सकते हैं, तो एब्सोल्युटली लिख सकते हैं। 11 जो होता है 11 को अगर हम 3 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाता है 11 × 11 × 11 121 इक्वल टू 1331 होता है, और 10 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं स्टूडेंट तो वो क्या हो जाता है 1000 हो जाता है। ओके, तो इसी का यूज कर लेंगे, यहां पे क्या लिखेंगे 11/10 होल क्यूब, या ऐसे आप लिख लो
इंटू 11 बाई 10 इंटू 11 बाई 10 इक्वल टू 11 बाई 10 रे टू द पावर n। क्लियर है? अब इसे क्यूब इक्वल टू 11 बाई 10 रे टू द पावर n। ओके, अब आप लोग इसे, ये बेस है, बेस को आप कैंसिल कर सकते हो, तो आपकी वैल्यू क्या हो गई, n इक्वल टू 3। हेंस टाइम इक्वल टू 3 ईयर्स। ओके स्टूडेंट, तो इस तरीके से टाइम निकलेगा। तो अभी आपने प्रिंसिपल फाइंड किया, यहां पे टाइम आपने फाइंड किया, अब नेक्स्ट में आपका क्या है, नेक्स्ट में डिफरेंट चीज हम फाइंड करते हैं, द डिफरेंस बिटवीन द SI एंड CI ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 2 ईयर्स एट 4% पर एनम इज ₹20। फाइंड द सम। स्टूडेंट, इसे हम लोग दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक तरीका आपका क्या है, एक तरीका है आपको इसे फॉर्मूला के थ्रू सॉल्व कीजिए, और सेकेंड जो आपका तरीका है वो है 100 इसे लेट करके। इट मीन्स आपको यहाँ पे प्रिंसिपल जो फाइंड करना है उसे 100 लेट कर दीजिए। तो फॉर्मूला के थ्रू भी हम लोग कर सकते हैं, तो फॉर्मूला के थ्रू ही ट्राई करते हैं। गिवन दैट क्या क्या गिवन है स्टूडेंट, सबसे पहले यहां पे टाइम गिवन है, टाइम इक्वल टू 2 ईयर्स। ओके, रेट गिवन है, रेट आपका क्या है, 4%। एंड CI माइनस SI इक्वल टू 20 रुपीज दिया है, ये दिया है एक एक्स्ट्रा चीज, और आपको प्रिंसिपल फाइंड करना है। प्रिंसिपल इक्वल टू व्हाट, क्लियर है? अब हमारा दोनों फॉर्मूला यूज होगा यहां पे। CI में से SI हमने क्यों सबट्रैक्ट किया है, ये थोड़ा सा आप लोग समझ लो, क्योंकि CI हमेशा क्या है, SI से ग्रेटर होता है, तो इसका डिफरेंस जो 20 है वो CI में से ही SI यहां पे डिफरेंस इसका वही होगा। तो सबसे पहले हम लोग SI फाइंड करते हैं, सॉरी CI फाइंड करते हैं। CI इक्वल टू, CI की वैल्यू क्या होगी, P इंटू 1 प्लस R बाई 100 रे टू दी पावर N माइनस P। ओके, तो CI की वैल्यू हमें पता नहीं है, CI तो हमें फाइंड नहीं करना है, P भी पता नहीं है, तो P को P ही लिखेंगे यहाँ पे, और 1 प्लस R की वैल्यू क्या है स्टूडेंट, 4 है, 4 बाई 100 रे टू दी पावर N माइनस P। ओके, अब CI इक्वल टू P इंटू 100 प्लस 4 डिवाइड बाई 100 रे टू द पावर n माइनस p। CI p इंटू 100, सॉरी इसका वैल्यू भी दिया हुआ है, 2 ईयर्स दिया है ना, यहां पे 2 ओके, तो ये 104 बाई 100 स्क्वायर माइनस p, देन अगेन CI हमारा क्या है, 2, इसे हम 26 बाई 25 लिख सकते हैं स्टूडेंट, क्यों, क्योंकि ये आपको 4 से 20 टाइम होगा माइनस p, देन CI इक्वल टू p इंटू
676625 माइनस पी. ओके, देन सी आई इक्वल टू 67, इसे यहां करते हैं स्टूडेंट, 6 का वैल्यू क्या होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा स्टूडेंट, तो 676 पी माइनस 625 पी डिवाइड बाय 620. ओके, तो सी आई की वैल्यू कितनी हो गई, पी के फॉर्म में ही आ रहा है 51 पी बाई 625, ये हमारा सी आई का वैल्यू हो गया. ओके, यानी ये हमारा एक वैल्यू आ गया. अब दूसरा वैल्यू हम फाइंड करेंगे. अब सेकेंड जो हमारा है एस आई, एस आई इक्वल टू क्या होता है, पी इंटू आर इंटू टी बाई 100. ओके, तो स्टूडेंट इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, पी इंटू आर की वैल्यू है 4 इंटू 2 डिवाइड बाई 100. इट मीन्स ये 100 से कितना टाइम में, 25 टाइम में कट जाएगा. तो एस आई हमारा क्या हो गया स्टूडेंट, एस आई हो गया 2p/25. ओके, तो ये सेकेंड हमारा वैल्यू हो गया. अब हमारा फाइनल जो दिया हुआ है सी आई माइनस एस आई, उसे यूज करते हैं. तो सी आई माइनस एस आई इक्वल टू, सी आई का वैल्यू है 51p/625 माइनस 2p/25. ओके, तब इसकी वैल्यू कितनी है स्टूडेंट, 20 दी हुई है वहां पे, यहां पे 20 दिया हुआ है. अब इसे 625 एलसीएम हो जाएगा, तो ये 51p माइनस 25 टाइम में जाएगा ये, तो ये 50p हो जाएगा. ओके, अब 20 इक्वल टू 1p/625. ओके स्टूडेंट, अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो p इक्वल टू क्या हो जाएगा, 625 इंटू 20, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 12500, दिस इज योर फाइनल आंसर. तो प्रिंसिपल आपका बहुत ही आसानी से यहाँ फाइंड हो गया. तो ये सबसे पहले सी आई आप पी के फॉर्म में फाइंड कर लो, फिर एस आई पी के फॉर्म में फाइंड कर लो, उसके बाद सी आई माइनस एस आई आपको गिवन है, तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा. ओके स्टूडेंट, तो ये आपका, अब आगे हम लोग देखते हैं आगे कौन सा क्वेश्चन है. नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, एट व्हाट रेट परसेंट कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम विल रुपीज 640 अमाउंट टू रुपीज 774.40 इन द इन टू ईयर्स. ओके, तो अब यहां पे क्या फाइंड करना है, रेट आपको फाइंड करना है. ओके स्टूडेंट, तो रेट फाइंड कीजिएगा, तो सबसे पहले क्या क्या गिवन है वो लिख लेते हैं. तो यहां पे आपको प्रिंसिपल गिवन है, प्रिंसिपल इक्वल टू रुपीज 640, ओके, अमाउंट गिवन है रुपीज 744.40, टाइम गिवन है, टाइम है आपको 2 ईयर्स. ये ऐसे लिख लेने से आपको बार बार क्वेश्चन में नहीं देखना पड़ता है, तो ये एडवांटेज है इसका. अब आपको फाइंड क्या करना है स्टूडेंट, रेट, रेट आपको फाइंड करना है. ओके, तो रेट परसेंट आपको, बाकी आपको प्रिंसिपल भी है, अमाउंट भी है, टाइम भी है, तो इसका यूज हम करेंगे आगे. तो फर्स्ट आपका क्या है यहां पे स्टूडेंट, फॉर्मूला हमारा क्या होता है, आपको
अमाउंट का फॉर्मूला है यहाँ पे, अमाउंट इक्वल टू पी इंटू वन प्लस आर बाई हंड्रेड रे टू द पावर एन। क्लियर है? अमाउंट आपको गिवन है, अमाउंट कितना है 7774.40 इक्वल टू पी गिवन है 640। सेवन फोर है, वहां मैंने मिस्टेक किया है। ओके, सेवन सेवन फोर पॉइंट फोर जीरो इक्वल टू पी की वैल्यू क्या है 640 है, इंटू वन प्लस आर बाई हंड्रेड रे टू द पावर एन, एन मीन्स टू। क्लियर है स्टूडेंट? अब यहां पे इसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, 774.40 डिवाइड बाई 640, ऐसे इसे लिखा जा सकता है। ओके, इसमें कोई भी डाउट नहीं है, ये इधर आएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा, मल्टीप्लाई इस तरीके से दूसरे साइड चेंज होता है मल्टीप्लिकेशन वाला। तो अब इसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस आर बाई हंड्रेड। क्लियर है? अब इसका डेसिमल थोड़ा सा हम लोग रिमूव करते हैं, 640, फिर डबल जीरो हो जाएगा यहां पे। क्लियर है? ऐसे लिखा जा सकता है। तो अब इसे क्या करेंगे, 1 प्लस आर बाई हंड्रेड होल स्क्वायर, ये जीरो से जीरो कैंसिल हो गया स्टूडेंट। अभी हम लोग इसे किससे कर सकते हैं, 16 से कर सकते हैं क्या, 16 से 16 फोर या 64, ओके मे बी हो सकता है 16 से 4 8 फिर 6 वहाँ हो गया, ये फिर इसको करेंगे 400, ओके 400 हो गया। तो अब इसे क्या लिखेंगे स्टूडेंट, 4 हंड्रेड ऐसे लिखा जा सकता है, 4 बाई 400 इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लिया, इक्वल टू 1 प्लस आर बाई हंड्रेड होल स्क्वायर। क्लियर है? अब स्टूडेंट इसे भी हम लोग कुछ कर सकते हैं क्या, ये अब यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ देखिए स्क्वायर है, और तो इसे किसी नंबर के स्क्वायर हो सकते हैं क्या, तो ये मे भी हो जाएंगे आपको 22 का होल स्क्वायर मे भी होता है, 22 × 22 डिवाइड बाई 20 × 20 ऐसा होता है क्या, एब्सोल्युटली होता है, इक्वल टू 1 प्लस आर बाई हंड्रेड रे टू द पावर 2। अब स्टूडेंट इसे क्या लिख सकते हैं, 22/20 होल स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस आर बाई हंड्रेड होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचा क्या, 22/20 इंटू 100 प्लस आर बाई हंड्रेड। ओके, तो अब इस स्टूडेंट जीरो से जीरो कैंसिल हो सकता है, अब इसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, तो 2 × 100 प्लस आर इक्वल टू 22 × 10, देन 200 प्लस 2R इक्वल टू 220, देन 2R इक्वल टू 220 माइनस 200, देन R इक्वल टू 20/2, इट मीन्स
10%. दिस इज योर फाइनल आंसर. ओके तो स्टूडेंट, वन बाय वन इसे हमने कैसे रिप्लेस किया ये आप देख सकते हो. यहाँ आपको मैंने अभी चारों जो होता है, फोर इट मीन्स प्रिंसिपल आपको फाइंड करके दिखाया, आपको टाइम फाइंड करके दिखाया, फिर सीआई और एसआई का जो डिफरेंस है, उसके बाद एट लास्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट. तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे फाइंड किया जाता है ये आपने देखा. अब इसमें कुछ क्वेश्चन होंगे जो आप लोगों को होमवर्क में मैं देता हूँ. ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. एट व्हाट रेट परसेंट पर एनम विल अ सम ऑफ रुपीज 4000 यील्ड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ रुपीज 410 इन टू ईयर. सिमिलर क्वेश्चन है, अभी जो मैंने सॉल्व किया था लगभग वही क्वेश्चन है. ओके और सेकेंड वन है, फाइंड द रेट ऑफ विच सम ऑफ मनी विल डबल इट सेल्फ इन 3 ईयर्स. ओके 3 ईयर्स में वो अपने आप का डबल हो जाएगा. तो अगर आप सम एक्स लेते हो, पी लेते हो, तो अगर पी लेते हो आप क्या, आपने प्रिंसिपल पी लिया, तो उसका 3 ईयर्स के बाद वो क्या हो जाता है, डबल हो जाता है. इट मीन्स उसका जो अमाउंट होगा वो क्या होगा, 2p हो जाएगा. क्लियर है? तो आपका सी आई क्या हुआ वहां पे, पी, 2p माइनस पी यानी पी हो गया. अब इसको आप सॉल्व कर सकते हो, आराम से कर सकते हो. तो ये आपका आज का होमवर्क है दोनों. तो आपने आज जितने भी इसके डाउट वाले क्वेश्चन थे वो आपने क्लियर कर लिया. अब नेक्स्ट जो इसका एक्सरसाइज है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स. सो फॉर टुडे दैट्स ऑल. हैव ए नाइस डे. थैंक यू.